नमस्कार, स्वागत है आप सभी का के चैनल में और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुँचाए आपका प्यार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 विद्युत परियोजनाओं को राष्ट्रों की समर्पित, हिमाचल सरकार ने सौंपा प्रधानमंत्री को एक विस्तृत ज्ञापन। पटल के ऐतिहासिक मैदान में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली, कहा 15वें वित्त आयोग ने प्रदेश को दिया 72,000 करोड़। प्रधानमंत्री ने रैली में प्रदेश सरकार पर साधा निशाना, कहा किस बात के लिए जाना जाता है प्रदेश के मुख्यमंत्री को। और करवा चौथ की खरीदारी में जुटी महिलाएं, खरीदारी करने में बाजारों में महिलाओं का लगा जमावड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंतजार के लिए पटल मैदान में लोगों का भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा। करीब 11:20 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंडी पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने 3 जल विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने मंडी पहुंचने पर प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया और उन्हें राज्य के विकास से संबंधित सुझावों पर विचार करने संबंधी ज्ञापन सौंपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवर्तन रैली को संबोधित करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया। साथ ही उन्होंने सांसद रामसू शर्मा को स्वच्छता के लिए शाबाशी दी। इस दौरान उन्होंने भारत की सेना की प्रशंसा की और कहा कि हिमाचल वीर भूमि भी है और देव भूमि भी। 3 जल विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन करने के उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक पटल मैदान में जाकर जनसभा को संबोधित किया। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने प्रदेश की जनता का धन्यवाद किया और कहा कि यह उनका सौभाग्य है कि उन्हें छोटी काशी में आकर इन परियोजनाओं का उद्घाटन करने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि आज हिमाचल को एक नई ऊर्जा शक्ति स्रोत मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा में भीड़ देखकर गदगद हुए। उन्होंने कहा कि हिमाचल के लोगों का दिल हिमालय जैसा है। मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया। उन्होंने कहा कि अटल जी हिमाचल को दूसरा घर मानते थे, जिसके लिए उन्होंने अटल जी की दूरदृष्टि को नमन किया। मैं काशी से लोकसभा का सांसद और काशी के लोकसभा के सांसद को आज छोटी काशी में सर झुकाने का अवसर मिला है, ये मेरा और एक सौभाग्य है। वो भी एक शक्ति का स्रोत है और आज हिमाचल की धरती से देश को भी एक नई ऊर्जा शक्ति का स्रोत का लाभ मिल रहा है और उसी निमित्त आज मुझे आप सबके बीच आने का अवसर मिला। अटल जी ने जिस कार्य को आरंभ किया था और अटल जी को हिमाचल वासी कभी बाहर के नहीं मानते थे, वो हमेशा मानते थे अटल जी तो हिमाचल थे और अटल जी भी हमेशा मानते थे कि मेरा अगर कोई दूसरा घर है तो हिमाचल है। वहीं स्वच्छता के लिए मंडी को मोदी जी ने बधाई दी। उन्होंने सांसद रामसू शर्मा को स्वच्छता के लिए शाबाशी दी। उन्होंने कहा कि मंडी जिला को स्वच्छता को लेकर इनाम मिला है, जिसका श्रेय यहां की जनता को भी जाता है। स्वच्छता के विषय में जो बीड़ा उठाया है और मंडी ने नाम रोशन किया है स्वच्छता के लिए, इसलिए मैं आज विशेष रूप से
हमारे सांसद रामस्वरूप जी को, जिले की उनकी पूरी टीम को, यहां के नागरिकों को स्वच्छता के इस अभियान को सफल करने के लिए कोटि कोटि अभिनंदन देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज यहां मंडी के सिवाय से भी बहुत लोग आए होंगे। मंडी वालों ने तो स्वच्छता के अंदर एक नई ऊंचाई पार कर दी है, लेकिन आप सबको भी मेरा आग्रह है कि जब इस सभा से वापिस जाएंगे तो यहां आपको प्लास्टिक की बोतल वोतल को छोड़ करके मत जाना, उठा के ले जाओगे ना, ऐसे नहीं जवाब दीजिए, पूरा मैदान सफाई करके जाओगे ना, वरना मंडी वाले हमारी शिकायत करेंगे, क्योंकि मंडी ने सफाई के लिए बहुत बड़ा पैरामीटर तय किया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल के लोगों का दिल हिमालय जैसा बड़ा है, हिमाचल देव भूमि होने के साथ साथ वीर भूमि भी है, हिमाचल में शायद ही कोई ऐसा परिवार हो जिससे सीमा का प्रहरी न हो, यह पीढ़ियों की परंपरा है, छोटे से हिमाचल को सबसे ज्यादा परमवीर चक्र मिले हैं। उन्होंने वीर जवानों को नमन किया और कहा कि दुनिया ने देखा कि भारत की सेना भी किसी से कम नहीं है। हिमाचल देव भूमि भी है, वीर भूमि भी है, ये वीरों की भूमि है। शायद यहां कोई परिवार ऐसा होगा जिसका लाल मां भारती की रक्षा के लिए सीमा पर तैनात न हुआ हो, ऐसा शायद कोई परिवार मुश्किल से नहीं। हर परिवार में खोजी, हर परिवार में राष्ट्र के लिए मरने मिटने वाले लोगों की पीढ़ियों की परंपरा, ऐसी वीरों की भूमि है। अगर परमवीर चक्र की सूची देखें तो छोटा सा हिमाचल, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में आन बान शान के साथ सर ऊंचा करके खड़ा हुआ दिखाई दे। मैं वीरों को नमन करता हूं, उन खोजियों को नमन करता हूं। आजकल पूरे देश में हमारी सेना के पराक्रम की चर्चा हो रही है। वहीं इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले 3 सालों में हर घर में गैस कनेक्शन होगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल में भी किसानों के लिए फसल बीमा योजना शुरू होनी चाहिए। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए के चैनल। अपनी फोटो भेजने के लिए हमें ईमेल करें knewschannel@gmail.com। अपने फोटो के साथ साथ अपना नाम व पता लिखना ना भूलें। आपको करना क्या है, सिर्फ अपनी फोटो को हमें ईमेल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए भेजना है, जिससे आप इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। Sachdeva is the premier coaching institute from where in the last 20 years thousands of students have cracked various competitive examinations. Prabhu Dayal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi. First polytechnic in Mandi town. Admission starts now with 100% result and placement in civil engineering, electrical engineering, computer science engineering. Hostel facility available for boys and girls. We provide highly qualified faculty, refined study material, special fee scholarship for SC/ST students, engineering workshop for first year. Prabhu Dayal Memorial Polytechnic at Bijni Town, Mandi, Himachal Pradesh. चला जा सेल्फी ले ले रे।
भेजने के लिए हमें ईमेल करें knewschannel@gmail.com। अपने फोटो के साथ साथ अपना नाम व पता लिखना ना भूलें। आपको करना क्या है, सिर्फ अपनी फोटो को हमें ईमेल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए भेजना है, जिससे आप इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। जब भी प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है, तब तक भाजपा के मुख्यमंत्रियों ने अपने विकासात्मक कार्यों के लिए अपनी पहचान बनाई है। लेकिन कांग्रेस मुख्यमंत्री को जनता किस कार्य के नाम से जानती है, यह सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवर्तन रैली को संबोधित करते हुए जनता से किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता कांग्रेस के कार्यकाल से भली भांति परिचित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवर्तन रैली को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जब भी प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है, तब तक भाजपा के मुख्यमंत्रियों ने अपने विकासात्मक कार्यों के लिए अपनी पहचान बनाई है, लेकिन कांग्रेस मुख्यमंत्री को जनता किस कार्य के नाम से जानती है। कि जब जब यहां भारतीय जनता पार्टी को शासन चलाने का अवसर मिला, हमारे पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे शांता कुमार जी। हिमाचल के किसी भी कॉलेज में चले जाइए, मुख्यमंत्री के नाते शांता कुमार जी की पहचान बन गई थी पानी वाले मुख्यमंत्री। पानी पहुंचाने का बीड़ा उठाया था उन्होंने। बाद में धूमल जी की सरकार बनी, धूमल जी की सरकार की पहचान बनी ग्रामीण सड़क वाले मुख्यमंत्री, गांव गांव सड़क की जाल बिछाने वाले मुख्यमंत्री। और अभी मुख्यमंत्री की पहचान क्या है मुझे बताना पड़ेगा क्या? क्या है भाई? ये फर्क है भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री दिए तो कोई पानी के लिए अपने आप को खपा दिया, तो किसी ने सड़क के लिए खपा दिया, और भी लोग आए जिन्होंने अपने लिए न जाने क्या क्या खपा दिया। वही प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सरकार की ओर से प्रदेश सरकार को 72,000 करोड़ रुपए की राशि विकासात्मक कार्यों के लिए प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है जब प्रदेश की जनता प्रदेश सरकार से इस पैसे का हिसाब मांगेगी। कि भारत सरकार इतना सारा धन दे रही है, लेकिन भारत सरकार जरा हिमाचल सरकार से हिसाब भी मांगे। उनकी बात सही है, हम ही क्यों, हिमाचल की जनता भी तो हिसाब मांगेगी। और मुझे विश्वास है मांगेगी, पक्का मांगेगी, क्योंकि फोर्टी फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग 14वां, उसने हिमाचल के लिए 21,000 करोड़ रुपए आवंटित किया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार आने के बाद 21,000 करोड़ से बढ़कर के 15th फाइनेंस कमीशन में ये रकम हो गई है 72,000 करोड़ रुपया। कहां 21,000 करोड़ और कहां 72,000 करोड़ रुपया। इतना सारा धन दिल्ली के खजाने से हिमाचल के भाग्य को बदलने के लिए लगाया गया। प्रधानमंत्री ने बताया कि इससे पहले 21,000 करोड़ की राशि प्रदेश सरकार को प्रदान की जाती थी। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल मंडी। वहीं पटेल मैदान में भारी भीड़ होने के कारण लोगों ने सेरी मंच पर लगाई गई स्क्रीन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लाइव देखा। भारी संख्या में सेरी मंच पर लोग प्रधानमंत्री को सुनने और देखने के लिए मौजूद रहे। इन तमाम प्रोजेक्ट्स को बनाने का काम किया है और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर के बाद इन पावर है, जिसमें कि जो मोदी जी पहुंचने वाले हैं, जोर से सब लोग नारे लगाएंगे भारत माता की। और इस पावर प्रोजेक्ट को उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां मौजूद हैं। और जैसे कि हमने आपको बताया कि एनटीपीसी का यहां पे है जो 800 मेगावाट का, साथ ही साथ एनएचपीसी का
बातों को सुनेंगे और प्रधानमंत्री भी उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्हें मोदी ने और ये देखिए भारी संख्या में जो जन सैलाब है प्रधानमंत्री की। फिलहाल के चैनल में वक्त हो चला है एक और ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। स्वच्छ व खुले वातावरण में सड़क सुविधा के साथ जेल चौक के पास बिकाऊ है 6 कमरों का सेट। इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें 9817677960 या फिर 9817456016। अपनी फोटो भेजने के लिए हमें ईमेल करें knewschannel@gmail.com। अपने फोटो के साथ साथ अपना नाम व पता लिखना ना भूलें। आपको करना क्या है, सिर्फ अपनी फोटो को हमें ईमेल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए भेजना है जिससे आप इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। भेजने के लिए हमें ईमेल करें knewschannel@gmail.com। अपने फोटो के साथ साथ अपना नाम व पता लिखना ना भूलें। आपको करना क्या है, सिर्फ अपनी फोटो को हमें ईमेल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए भेजना है जिससे आप इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। पिछले 7 दिनों से चला आ रहा कुल्लू दशहरा उत्सव भगवान रघुनाथ जी की रथ यात्रा के साथ धूमधाम से संपन्न हो गया। भगवान रघुनाथ 7 दिनों तक कुल्लू के ढालपुर मैदान में सैकड़ों देवी देवताओं के साथ अस्थाई शिविर में रहे और दोपहर बाद लंका पर चढ़ाई करने के बाद अपने स्थायी मंदिर रघुनाथपुर में वापस चले गए। दशहरा उत्सव के समापन समारोह में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव दुनिया भर में देवी देवताओं के महाकुंभ के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्सव कुल्लू के ढालपुर मैदान में 7 दिनों तक मनाया जाता है। इस उत्सव में कुल्लू जिला के सैकड़ों देवी देवता अपने भक्तों के साथ ढोल नगाड़ों के साथ सैकड़ों किलोमीटर का पैदल सफर कर पहुंचते हैं। 7 दिनों तक रोजाना देवी देवताओं के लाखों भक्त अपने अपने कुल देवता और इष्ट देवी देवताओं के दर्शन एक ही मैदान में करते हैं। आज भगवान रघुनाथ शाम के समय अपने देवी देवताओं व राज परिवार के सदस्यों सहित लंका पर चढ़ाई करने निकले और उसके बाद भगवान रघुनाथ अपने स्थायी मंदिर लौट गए। भारी भीड़ में सैकड़ों देवी देवताओं के साथ रथ यात्रा निकाली गई और सभी देवी देवता अपने अपने मूल स्थानों की तरफ वापस चले गए। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने समापन समारोह में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ लोग चाहते हैं कि कुल्लू दशहरा कुछ कारणों से सही प्रकार से आयोजित न हो, परंतु सभी जानते हैं कि दशहरे का आयोजन पारंपरिक तरीके से किया जाता है। उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थितियां बनाई जा रही हैं कि दशहरा उत्सव का आयोजन सफलतापूर्वक ना हो सके और इसके लिए अनेक षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय तथा धार्मिक परंपराओं व उत्सवों में राजनीति नहीं की जानी चाहिए और किसी को ऐसा नहीं सोचना चाहिए
कि वह मंदिर का मालिक है। उन्होंने कहा कि प्राचीन मंदिर किसी की भी निजी संपत्ति नहीं है और वे केवल ऐसे मंदिरों के न्यासी व देखभालकर्ता ही हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार कुल्लू स्थित रघुनाथ मंदिर भी निजी संपत्ति नहीं है। उन्होंने सराहन भीमाकाली माता मंदिर का उदाहरण देते हुए कहा कि सराहन स्थित इस मंदिर के लिए भी न्यास का गठन किया गया है और वे भी उस न्यास के एक सदस्य हैं। इसी प्रकार आसपास के क्षेत्र के अन्य मंदिरों को भी भीमाकाली ट्रस्ट के अधीन लाया गया है, जिसके फलस्वरूप इनका वित्त पोषण होने के साथ सही देखभाल भी हो रही है। और कोई देवता, कोई मंदिर किसी की निजी जायदाद और उसकी जो है वो निजी संपत्ति नहीं है, ये मान के कहना चाहिए। वो उसके रक्षक हो सकते हैं, सेवक हो सकते हैं और संचालक मंडली में हो सकते हैं, मगर वो हरगिज चाहे वो मंदिर के या देवते के मंदिर के वो मालिक नहीं हो सकते। और इसी तरह से जो रघुनाथ जी का मंदिर है, ये किसी का प्राइवेट मंदिर नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर देवी देवताओं के नजराने में 5% बढ़ोतरी की घोषणा की। उन्होंने उत्सव के दौरान स्थानीय देवी देवताओं के साथ शामिल होने वाले बजंतरियों को 10,000 रुपए की राशि प्रदान करने की घोषणा की। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। भेजने के लिए हमें ईमेल करें knewschannel@gmail.com। अपने फोटो के साथ साथ अपना नाम व पता लिखना ना भूलें। आपको करना क्या है, सिर्फ अपनी फोटो को हमें ईमेल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए भेजना है, जिससे आप इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं।